जोर से खींचिए ना। क्या खाना चाहते हैं बोलिए कुछ बताइए कुछ कहिए। आज बहुत खुशी के दिन है। हाँ, खुशी का पर्व है। पर्व है जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हाँ। जिसके अवसर पर हम लोग तिरंगा फहराते हैं, खुशियाँ मनाते। ना जाने कितने वीर अपना जान गंवाए तिरंगे के लिए, देश के लिए, जिया के लिए। हम चाहेंगे कि यह देश हमारा हमेशा के लिए अमर है और अमर रहेगा। अमर था, अमर है, अमर रहेगा। जिंदाबाद ना रहेगा। बोलिए सर। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी दिन हमारे बहुत सारे वीर थे ऐसे जो क्या किए इस देश के लिए, अपना जान ठोकर कुर्बान किए। और इसी के उपलक्ष्य में हम शहीदों को याद करते हैं। और ये जो हमारा देश आज़ाद हुआ है बहुत ही कष्ट से आज़ाद हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्व से मानते हैं, ठीक है। और यह देश हमारे महान वीरों का देश भी कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन हम लोग बहुत हर्ष उल्लास से क्या करते हैं, अपने खुशियाँ मना हार्दिक शुभकामना देते हैं। और यह कहते हैं कि आप सभी क्या करें, देश के प्रति अपनी जागरूकता फैलाएं और देश में शांति बनाए रखें और किसी भी जाति धर्म को लेकर अपना भ्रम न फैलाएं। और क्या करें, आप सभी में प्यार बनाए रखें। यही हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सब शांति बनाए रखें और सभी लोग अपना जीवन फैलाएं। जय हिंद। जय बोलिए। आज हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसी आज़ाद के कारण हम लोग आज 15 अगस्त 1947 को खुशियाँ मनाते हैं। और हम इतना ही कहेंगे कि अपना देशवासियों से अपना भाई बहन का चारा बनाए रखें और भेदभाव नहीं करें। भारत माता की 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ना जाने कितने लोग इसमें जान की बाजी खेलना पड़ा, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सब कितने वीर महान आदमी को अपना जान पर बाजी करके हमारे देश को आज़ाद है और रहेगा। जब तक पूरा चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा। हिंदुस्तान का क्या रहेगा, नाम रहेगा जिंदाबाद। जिंदाबाद।